जब भी किसी को अपने परिवार के साथ कहीं दूर यात्रा पर जाना होता है तो रेल ही उसकी सबसे पहली पसंद होती है, उसकी प्राथमिकता होती है। आज ओडिशा के रेल डेवलपमेंट के लिए और भी कई बड़े कार्य हुए हैं। पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का शिलान्यास हो, रेल लाइनों के दोहरीकरण का काम हो, या ओडिशा में रेलवे लाइन के 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हो, मैं इन सभी के लिए ओडिशा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। भारत की एकता को और मजबूत करने का समय है। जितनी ज्यादा एकता होगी, भारत का सामूहिक सामर्थ्य उतना ही ज्यादा शिखर पर पहुंचेगा। ये वंदे भारत ट्रेनें इस भावना का भी प्रतिबिंब है। इस अमृत काल में वंदे भारत ट्रेनें विकास का इंजन भी बन रही हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी आगे बढ़ा रही है। भारतीय रेलवे सबको जोड़ती है, एक सूत्र में पिरोती है।